छोटे मालिक बात कीजिए, छोटे मालिक। बाबा आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं कितना जिद्दी हूँ, और मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। जाने दीजिए ना सेठ जी, बच्चा है, पैसे दे दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप, ये सब मत कीजिए, मत कीजिए ये सब। वो बाबा है आपके। कोई मेरे पास ना है, आज किस्सा खत्म हो जाएगा। सब समझ रहा हूँ मैं, आप इस भीमराव की बातें मानते हैं ना, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पछताएंगे आप। और भीमराव तू, तेरी क्या हैसियत है, तेरी आई मर गई, तेरे बाबा तुझे छोड़ के चले गए, और तू अब उसका बदला बड़ी जात वालों से लेगा। यही चाहता है ना कि मैं और बाबा हम अलग हो जाए। ठीक है तो यही होगा आज। एक छोटी जात वाले के कहने पे एक बाप अपने बेटे को खो देगा, दुनिया देखेगी आज। अब मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता बाबा। भीम, ये पागल क्या कर रहा है, अगर इसने खुद को लटका लिया तो इसका दोषी तू होगा, इसका हत्यारा तू होगा, क्योंकि तूने ही सेठ जी को मना किया था। कि आपको उन्हें डर से निकल कर एहसास दिलाना होगा कि वो आपके पुत्र हैं और आप उनके पिता। दे दीजिए पैसे, नहीं तो देख लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। भीम रोक इसे, अभी इनकी सुनते रहिए, मैं तो चला। देखिए नाश करना आसान है लेकिन निर्माण करना मुश्किल। ए, ज्ञान मत दे तू। अब चाहे तुम जो कर लो, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। इसी के कहने से ना तो मैं अब नहीं मरूंगा, पहले सब खत्म करूंगा फिर। सृजन करने में बात हो रही है, खत्म करने में नहीं। ए, दूर रहो मेरे भाई से। आनंद भैया, इन्हें जो करना है इन्हें करने दीजिए। क्या करेंगे आप, मुझे धक्का देकर गिराएंगे, मैं फिर उठ जाऊंगा, फिर धक्का देंगे, फिर उठ जाऊंगा, तब तक उठता रहूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए, और अगर मैं मर गया तो आप गुनहगार होंगे। खुद की जान लेने की बात करना अलग बात है, और किसी का हत्यारा बनना अलग बात है। दीजिए धक्का, दीजिए। ए, यहाँ पे काम करवाओ ना कि काम बिगाड़ो। शाम तक ठीक रहे तो आकर पैसे ले जाना, वरना पैसे वैसे भूल जाना। और तुम लोग सब जाओ अपना अपना काम करो। अरविंद, इसको खोल दो। छोटे मालिक, ये वही भीमराव है जो सेठ जी को मना करता है, सेठ जी को भड़काता है। बेटा सेठ जी तो आपको पैसे दे ही देते हैं। जब से आया है कुछ ना कुछ काम में दखल देता ही है, और आपके बाबा इसकी बात कुछ ज्यादा ही मानते हैं। वही खाता क्या देखने लगा, अपने आप को कारखाने का मालिक समझता है। इसे तो मैं अब बताता हूं कि नौकर क्या होता है और मालिक क्या होता है। राम जी, ये मेरा बेटा है, आज से ये भी यहाँ काम करेगा। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, आप इससे क्यों काम करवाएंगे? देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दोपहर होते होते मैं काफी थक जाता हूँ, तो दोपहर के बाद ये काम कर लिया करेगा। लेकिन अभी इसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, जाइए इसे स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, और खाली पेट कैसे पढ़ेगा ये? भूखे मरने से अच्छा है कम से कम अपना पेट तो भरेगा। देखिए मैं सेठ जी से बात करता हूँ, आपके काम को हल्का करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आप इसकी पढ़ाई लिखाई मत छुड़वाइए। अरे ये कौन सा पढ़ लिख के भीमरा बन जाएगा जो इसे पढ़ाऊं? आप भीमराव को कैसे जानते हैं? अरे वो अपने विद्यालय में प्रथम आया था, तो अंग्रेजी भोज में भी वो शामिल हुआ था, तो इसी ने बताया था कि इसके विद्यालय के लड़के को उसने हराया था। और क्या है ना राम जी, भीमराव तो कोई कोई बनता है, छोटी जात का बच्चा है, पढ़ने में बहुत तेज है वो।
अरे ये खुद ही सातारा से आए हुए, इन्होंने भी सुना होगा भीमराव के बारे में। अच्छा तो आप सतारा से यहाँ आए हैं, फिर तो आप भीमराव को जानते होंगे। वो तो मेरा एक बात का ध्यान रखे, यहाँ पर कभी किसी को अपनी जात मत बताना। अच्छा लड़का है, मेहनती है। अरे वो तो छोटी जाति का लड़का है, आपसे कहाँ बात होती होगी। लेकिन सच में बहुत तेज है वो। हाँ लेकिन ये तो गलत है ना कि कोई कोई भीम होता है। मजाक बना रहे हैं हमारी बेबसी का। जब आदमी अपनी औकात से बढ़कर सोचेगा ना भीम, तो मजाक ही बन जाता है। देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जा और जाके महाराज जी के चरणों में गिर जा, ईश्वर तेरा भला करेगा। चल जा यहाँ से। सास आई की तरह ही होती है, और उन्हें भगाने का नहीं रखने का सोचिए तो अपने आप भला हो जाएगा। क्योंकि किसी के घर से कोई चला जाए तो पूरा घर टूट जाता है, और ऐसे ही हमारी तरह सड़क पर भटकने लगता है। कहा तुम हमें इस गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, और अब तुम खुद पूरे गांव में घूम रहे हो, काम ढूंढ रहे हो। महाराज ढूंढ तो आप भी रहे हैं, आप अपने लिए भक्त ढूंढ रहे हैं जो आंखें बंद करके आपका जय जयकार करे। वैसे एक कार्य है हमारे पास, ईश्वर के घर के परिसर के बाहर तुम झाड़ू लगा लो, साफ सफाई करो, और उसके बदले में हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। जितना तुम सोचे थे उससे भी ज्यादा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि तुम्हारी आस्था ईश्वर में है। लेकिन ईश्वर के घर के परिसर के बाहर ही क्यों? मैं उनका पूरा घर साफ करूंगा और ईश्वर की भी साफ सफाई करूंगा, फिर तो और लोगों को विश्वास होगा कि आपके ईश्वर में मेरी आस्था है। नहीं, तुम ईश्वर के घर में जाने के लायक नहीं हो। तो फिर मैं भी नहीं समझता कि आप या आपके लोग इस लायक हैं कि मुझे इन्हें बताना चाहिए कि मेरी आस्था किसमें है या किसमें मेरी आस्था नहीं है। और आस्था जगाने के लिए पास बुलाना पड़ता है, दूर रखकर डराने से आस्था नहीं क्रोध पैदा होता है, खिन्नता पैदा होती है। इसलिए आप अपने ईश्वर से हमें मत जोड़िए, जिन्हें आपने अपना हथियार बना रखा है, जिसके बल पर आप जात पात ऊंच नीच भेदभाव जैसे पाप और अनाचार का व्यवसाय करते हैं। हम भी तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। हमारे जीवन के सफर में एक कस्बे में हमने चंद दिन गुजारे थे। वहाँ एक नदी थी, और बारिश के दिनों में वहाँ बहुत पानी हो जाता था, और पानी का प्रवाह भी बहुत तेज होता था। उसी दौरान वहाँ एक सेठ आता था, बहुत अमीर, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। इनाम रखता था जो तैराक उस पानी के प्रवाह के विपरीत तैर कर जाए उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं देगा। बहुत सारे मूर्ख तैराक सेठ की शर्त को मानकर उस पानी के प्रवाह में डूब के मर जाते थे। जब हम तुम्हें देखते हैं ना,
तब हमें उन मूर्ख तैराकों की याद आती है जो उस सेठ की शर्त को मानकर पानी में डूबकर मर गए। और वो सेठ जिसके चक्कर में आकर वो तैराक मर गए, या तो तुम्हारा बाप होगा या तुम्हारे वो गुरुजी, जिन्होंने कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे विचार भर दिए तुम्हारे मन में। खाना बन गया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब तक यहाँ के घर को अपना घर नहीं समझेंगे ना आप, तब तक यूं ही परेशान होते रहेंगे याद कर करके। एक बाप अपने सारे बच्चों को छोड़कर इतनी दूर आ गया है, वो अब भी परेशान नहीं रहेगा तो कब रहेगा? सालों में क्या होगा, कुछ हो या ना हो, लेकिन ये उदासी तो चली जाएगी ना। मंजुला दीदी, संसा दीदी, हम आलू का भरता बनाएंगे, बहुत तीखा, और जब तीखा लगेगा तो पानी पिएंगे, तो पानी से ही पेट भर जाएगा। कल सुबह तक तो पेट और मन दोनों को समझ में आ जाएगा कि हमने दो दोने वाला आलू का भरता और पानी पीकर पेट भरा है। सुबह का सुबह देख लेंगे। चल भी। लीजिए, आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। जीजा भाई, इतना खाना नहीं भी होता, इतना छोड़, अगर भरपेट खाना नहीं होता लेकिन सब लोग साथ में होते तो जीवन का स्वाद ज्यादा होता। नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि आपको जीवन नए तरीके से शुरू करना चाहिए। तुम नहीं समझोगी जीजा भाई, वो लोग बड़े जादूगर होते हैं जो कम खाना खाकर भी जिंदगी में खुशी और सुकून का जादू भर लिया करते हैं। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा भरता खाएंगे और पानी पिएंगे। खा लीजिए। नहीं जीजा भाई, मेरा मन नहीं खाने का, बस मन हो रहा है आलू का भरता खाकर थोड़ा पानी पी लो। कबीर ना जर जरी कूड़े के वनहार, हल्के हल्के तेरी गर...
बूढ़े तिनी सर भार। मुझे संतान चाहिए। कमी किस में है कुछ पता है? पति पत्नी वाला कोई संबंध ही नहीं है और ना ही होने की कोई संभावना। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? होश में वो मुझे पत्नी नहीं मानती और ना ही कोई हक जताते हैं। किसी दवाई से अगर ये होश की दीवार टूट जाती बस। ठीक है रुको मैं बनाती हूँ। वैद्य जी मुझे मुझे दवा दे दीजिए। हमें भाग के सतारा जाना है। आपकी दवा की वजह से मेरी नानी मरते मरते बची है। उनकी दवा खत्म हो गई है। उन्हें और दवा की जरूरत है जल्दी। ठीक है रुको मैं अभी देती हूँ। जी, आप सतारा जाने वाले हैं? हाँ। मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ जी बोलिए। सतारा में रहने वाले सतपाल परिवार में भीमराव तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे। सतपाल जी छोटी जात वाले हैं लेकिन आप घर के अंदर मत जाइएगा। भीमराव को बाहर बुलाकर मेरा संदेश पहुंचा दीजिए बस। हाँ ठीक है लेकिन कहना क्या है? जी उससे कहना ठीक है। देख ऐसा है चाहे पुरंजन पूछे या कोई भी चाहे कोई डराए या धमकाए किसी से मत कहना कि पैसे हमने लूटे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत पड़िए लेकिन तब सेठ जी ऐसे लोगों का मुंह बंद रखने के लिए इनके झोले में कुछ पैसे डालने पड़ते हैं। कुछ पैसे डाल दीजिए इसके झोले में इसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन मैं पैसे क्यों खर्च करूं? सेठ जी आपके पास पैसों की कमी है क्या? सेठ जी सोच क्या रहे हैं कुछ पैसे दे दीजिए तभी तो ये पुरंजन और बाकी के लोगों का नौटंकी झेल पाएगा। दे दीजिए। और जैसा कहा है वैसा करना समझा ना चल निकल। ये गलत है मंगेश बार बार मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा। फिर कैसे रक्षा करोगे अपने धर्म की? और अपने ईश्वर की शक्ति का एहसास उस भीमराव जैसे अधर्मियों को कैसे करवाओगे? लेकिन ये तो सामूहिक समस्या है इसमें व्यक्तिगत नुकसान क्यों महाराज?
सामाजिक मसला है ये। यहाँ व्यक्तिगत जैसे शब्द कहाँ से आ गए? और याद रहे, धन खर्च करने का सबसे शुभ मार्ग होता है धर्म। और यदि तुम्हें इससे कोई भी तकलीफ है तो तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। किंतु इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन हमारा धर्म बचाएगा। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी तो सोच भी नहीं सकते आपके शरण को छोड़कर जाने के लिए। तो फिर सोच लो। सेठ जी, दोबारा कभी महाराज के सामने असंतोष प्रकट मत करना, चाहे मन में भी हो तो भी नहीं। हाँ सेठ जी। महाराज जैसे लोग ईश्वर बनने के चक्कर में इंसान भी नहीं रह पाते हैं, मानवीय संवेदनाओं से इतने दूर हो जाते हैं कि उनका खुद का पत्थर का मंदिर बनाना उन्हें उचित लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर वो है जिसमें करुणा है, दया है, भावना है, जो लोगों के दिलों में बास करता है। ईश्वर वो नहीं है जो पत्थर की तरह एक जगह बैठ जाए और लोग उसकी जय जयकार करते रहें। प्रभु ने हमें तुम लोगों के कल्याण के लिए भेजा है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन हो। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज महाप्रभु की जय। लेकिन गुरु जी, मनुष्य ईश्वर बनना ही क्यों चाहता है जबकि सब समझते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है और मनुष्य को एक ना एक दिन तो मरना ही है, जबकि आप कहते हैं कि ईश्वर अमर है, ना तो वो पैदा होता है और ना ही वो मरता है। इंसान की महत्वाकांक्षाएं उसे ये सब कराती हैं। संसार में उत्थान और पतन दोनों का बीज यही है। जब तक मनुष्य मनुष्यता की सीमा में रहकर खुद का विकास करता है तब तक विकास है। जैसे वो उसकी सीमा को लांघ कर एक नई सीमा बनाने का प्रयास करता है, वहीं से उसका विनाश शुरू हो जाता है। फिर गुरु जी, मनुष्यता की सीमा को तोड़ने के लिए महत्वाकांक्षाओं में ताकत कहाँ से आती है? अहंकार। भीमराव, कल को तुम बड़े होगे, हो सकता आगे चलकर तुम बड़े बड़े काम करो, उस काम की तुम्हें खुशी होगी और खुशी के साथ साथ गर्व भी होगा। इस गर्व की अनुभूति को अगर तुम संभाल नहीं पाओगे तो यही गर्व अहंकार बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता की सीमा पहचाननी चाहिए, उसके दायरे में रहना चाहिए। समझ गए भीमराव? जाइए और हमारे मंदिर बनाने की व्यवस्था में जी जान से लग जाइए। जी महाराज। मंगेश, तुम रुक जाओ, हमें तुमसे कुछ काम है। जी महाराज। उस सेठ को समझाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हम भी समझते हैं कि सेठ तुम्हारा बहुत सालों से दोस्त है। ये समय चुनाव करने का है, दोस्ती और धर्म, बाकी फैसला तुम्हारा। महाराज, मेरे लिए धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, और धर्म की रक्षा के लिए मैं वो सब करूंगा सेठ जी के संग जो आपने मुझे कहा है। फिर चाहे सेठ जी के साथ मेरा रिश्ता रहे या ना रहे। कुछ भी काम दे दीजिए, बस रोज के रोज पैसे दे दीजिएगा, पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ वो सब सही है, लेकिन पैसे हर रोज नहीं देंगे, महीने के आखिर में पैसे देंगे
और वो भी एक महीना देखेंगे कि तुम उस काम के लायक हो या नहीं। मतलब आपको मेरी योग्यता जानने के लिए एक महीना लग जाएगा? काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप कुछ भी काम करवा लीजिए, पैसों की बहुत जरूरत है। काम करने से अच्छा होता जो तुम अपने भाई भीमराव और बाबा को थोड़ा बहुत समझाए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की मुसीबतों की जड़ वो राम जी और भीम बाप बेटे की जोड़ी है। देखिए, आपको काम नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन समझाइए मत, बाबा और भीम दोनों सही हैं। भाग यहाँ से। बाला इधर आ। हमारे साथ काम करोगे? पैसे मिलेंगे? रोज के रोज अफराद। और काम क्या करना है? और मेरी जात से तुम लोगों को? जात का हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बताओ काम क्या करना है? चोरी करनी है। रात के अंधेरे में हम सारा काम करेंगे और दिन के उजाले में आराम।